भगीरथ कार्य किया है और प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही महात्मा फुले की एक सुंदर कांस्य प्रतिमा लगी हुई और उसके दर्शन मात्र से इस विश्वविद्यालय के शिक्षक धार्मिक भगीरथी असीम ऊर्जा व प्रेरणा लेकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। यह प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय परिसर तथा संबंध महाविद्यालय के विद्यार्थियों में विभिन्न खेलों के प्रति रुचि तथा उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस विश्वविद्यालय में विशाल क्रीड़ा प्रांगण एवं एक भव्य व अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम है। खिलाड़ियों का शिक्षण शुल्क माफ करने का निर्णय तथा निर्धन विद्यार्थियों की सहायता हेतु कोष की स्थापना इस विश्वविद्यालय के प्रशंसनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को विश्वविद्यालय आगे बढ़ाएगा। यह भी प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विभिन्न जिला के 5 गांवों को गोद लिया। इन गांवों में निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृक्षारोपण व सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह अच्छी पहल है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय अपने महत्वपूर्ण घटक पंडित दीनानाथ मिश्र इंटर कॉलेज जोगी नवादा बरेली के माध्यम से गरीब बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का पुनीत कार्य भी करता है। इसका पूरा व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। यूनेस्को द्वारा गठित टेलस आयोग ने 96 में अपने प्रतिवेदन लर्निंग द ट्रेजर इटी में सीखने के 4 स्तंभों की चर्चा की। जानने के लिए सीखना, कार्य करने के लिए सीखना, सहजीवन के लिए सीखना और आत्मबोध के लिए। एमएससी आदम विज्ञान लाल बहादुर सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज गौ
जब आप हो जाते भैया जी मुझे मिलने ही विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस शोभा यात्रा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी सम्मानित सदस्यों से सादर अनुरोध है कि कृपया अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करने की स्वागत अनुग्रहित करें। रायपुर से दूर है ना भैया? अरे सामने चढ़ियो।